कुल्लू जिला में आईसीआर, अटारी जोन व लुधियाना और कृषि विज्ञान केंद्र कुल्लू द्वारा जलवायु लचीला कृषि राष्ट्रीय नवाचार परियोजना पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्रीय बागवानी कृषि अनुष्ठान संस्थान हैदराबाद के निदेशक डॉ. विनोद कुमार सिंह और आईसीआर अटारी के निदेशक डॉ. राजवीर सिंह ने कार्यशाला की अध्यक्षता की, जिसमें हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के तारा कृषि विज्ञान केंद्रों से आए 50 से अधिक वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला में परियोजना के अंतर्गत इन 5 राज्यों में किए गए अनुसंधान और विकास कार्यों की समीक्षा की गई। कुल्लू में आईसीआर अटारी जोन वन लुधियाना और कृषि विज्ञान केंद्र कुल्लू द्वारा जलवायु लचीला कृषि पर राष्ट्रीय नवाचार परियोजना पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कार्य योजना भी तैयार की गई। कार्यशाला में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने पर वैज्ञानिकों ने मंथन किया और कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन अनुसंधान को शामिल करने पर जोर दिया। देखिए, जो आज जलवायु परिवर्तन पूरे एक विश्वव्यापी समस्या है और वह समस्या भारत में भी हर क्षेत्र में देखी जा रही है, इसी दिशा में कृषि के ऊपर जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव है, इस कार्य हेतु एक बहुत बड़ी परियोजना जिसको हम नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट निकरा नाम से जानते हैं। निकरा परियोजना 2011 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी और देश के 151 जिलों में कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से यह परियोजना चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य है कि हमारी जो खेती है, इस बदलते जलवायु परिवर्तन के माहौल में कैसे अपनी उत्पादकता को आगे बढ़ा सके और उसके साथ साथ जो वातावरण में परिवर्तन हो रहे हैं उसका के कुप्रभाव से फसल, जीव जंतु, मिट्टी और आम व्यक्ति के स्वास्थ्य को अच्छा रख सके, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर कुल्लू में जो 2 दिवसीय कार्यशाला हो रही है, इसमें अटारी लुधियाना के माध्यम से एक चर्चा की गई, जिसमें जो हमारे वैज्ञानिक साथी 17 कृषि विज्ञान केंद्रों के पंजाब से, जम्मू कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लेह लद्दाख से इकट्ठा हुए हैं और इन्होंने अपने अनुभवों को पिछले सालों में जो किया है जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए प्रयास, उनको सबके बीच में साझा किया, उनकी चर्चा की गई और उसमें आगे की रणनीति तैयार की गई कि आगे हम इस कार्यक्रम को और अच्छी तरह कैसे क्रियान्वयन कर सकेंगे, जिससे कि खेती एक जलवायु परिवर्तन के प्रति समुद्रशील हो, रेजिलेंट हो और समुद्रशील के साथ साथ वातावरण में बढ़ते कार्बन के स्तर, जिसको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, उसको कम करने में कैसे प्रभावी हो और मृदा का स्वास्थ्य अच्छा हो, फसलों की गुणवत्ता अच्छी हो, जिससे हमारा पूरा चक्र जो है, चाहे मनुष्य से लेकर मिट्टी, हमारा वातावरण, हमारे पशुधन और हमारे बाकी वनस्पतियां हैं, सब स्वस्थ एवं सुरक्षित रहें, जिससे कि आगामी जो पीढ़ी है उसको एक हम स्वस्थ संसाधन पूर्ण खेती के लिए वातावरण दे सके, इस पे कार्य हम लोग कर रहे हैं और अगले 5 सालों की रूपरेखा हमने इन 5 राज्यों के लिए इस कार्यशाला में तैयार की है और उस पर हम आगे कार्य करेंगे। धन्यवाद। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।